नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं मनोविज्ञान में जो आपको व्यवहारवाद के जितने भी मैंने 7 सिद्धांत पढ़ाए हैं, ठीक है, 7 सिद्धांत पढ़े हैं अपन ने, तो इन 7 सिद्धांतों का मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ। उसका टाइम मैंने 3 बजे का रखा था, लेकिन यार किसी कारणवश से मैं 3 बजे वो टेस्ट अपलोड नहीं कर सका, तो 5 बजे आपके लिए मैं ये टेस्ट लेकर आया हूँ। चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को देखे आप, उसके बाद में टेस्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे शिक्षण विद्या, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के मैं वीडियो रेगुलर डालता हूँ, रोजाना एक वीडियो शिक्षण विधियों के, एक साइकोलॉजी का। तो एक बार उनको देख के आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, एक बार चैनल पर जरूर जाए आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी गवाएं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों, आपको क्या करना है कि वीडियो को पहले लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही होते हैं, ठीक, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या वन मानुषों से? किसका कोहलर का संबंध इनमें से किससे था, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वन मानुषों से, ठीक है। चिंपेंजी नामक सुल्तान नामक जो चिंपेंजी था उस पर प्रयोग किया था कोहलर ने। तो प्रश्न एक का राइट है 4, चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक के लेखक है, ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी थी? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या सीएलएल? सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख के जरूर आइए। तो इसका आंसर बताओ, इसका राइट आंसर है स्किनर ने, ये किताब किसने लिखी थी? स्किनर ने लिखी थी। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका तीसरा प्रश्न है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? हल, कैंडलर, कोहलर या ब्रिक? इनमें से किसने समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया था, तो बताइए राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है कोहलर ने यहाँ पे अपने जो सिद्धांत दिया था सूच का, उसमें समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, 3 प्रश्न हो चुके हैं। तो चौथा प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण या कोई नहीं, बताइए राइट आंसर क्या है इसका। दोस्तों इसका राइट आंसर है उद्दीपक सामान्यकरण, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था उसमें अच्छी तरह से पढ़ा दिया था, तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, सीखना एक तरह व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है, बताओ क्या है यहाँ पे? सीखना एक तरह व्यवहार का क्या है, बचाव, संशोधन, विस्तार या प्रसार? कमेंट करके जरूर जाए कितने राइट आपके होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना गया था कि सीखना एक तरह व्यवहार का यहाँ पे प्रसार है, ठीक है, क्या है? प्रसार है। और यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन भी राइट माना गया था, विस्तार है। 2 ऑप्शन इसमें राइट माने गए थे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अनुबंधन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अनुबंधन के लिए? तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है प्रसूत अनुबंधन के लिए, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर जाए, मैं वापस बता रहा हूँ, वीडियो बीच बीच में मैं इसलिए बोलता हूँ कि लाइक करके जाओ, आप क्या भूल जाते हो वीडियो देखते देखते। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, 7वां प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ठीक है, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, इनमें से सीखना क्या है कोहलर के अनुसार? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, इसमें क्या होता है, सीखना अचानक होता है, ठीक है। कोहलर ने जो सूच का सिद्धांत दिया था उसमें बताया कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक, अचानक से कोई क्रिया याद आती है और अब व्यक्ति सीख जाता है, तो दूसरा वाला इसका ऑप्शन राइट है।
प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आठवां प्रश्न ये, थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, कि थोर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास व भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। थोर्नडाइक का सिद्धांत बताइए किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। इसका राइट आंसर है अधिगम के प्रयास व भूल के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नौवां देखते हैं, कमेंट करके जरूर जाए कितने राइट होते हैं। निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, वो पूछ रहे थोर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम दिए थे, मुख्य नियम दिए थे, इनमें शामिल क्या नहीं है। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम, इसमें से कौन सा इनके नियमों में, मुख्य नियमों में या प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। प्रश्न नंबर अब दसवां देखते हैं, प्रश्न नंबर दसवां है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का था, वो किसके अनुकूलन पर बल देता है, तर्क, व्यवहार, चिंतन या प्रेरणा। बताइए राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर ग्यारहवा देखते हैं, ग्यारहवा प्रश्न क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अधिगम। किस नाम से इसको जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर ने दिया था। दोस्तों इसको अब मुख्य, इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट है। जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाए। प्रश्न नंबर बारहवा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, समझना थोड़ा सा, ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम के लक्ष्योन्मुख, अधिगम लक्ष्योन्मुख की प्रक्रिया है। बताइए इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि जो अभिवृद्धि वृद्धि बढ़ती है तो अधिगम भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर तीसरा वाला है। प्रश्न नंबर तेरहवा देखते हैं, तेरहवा प्रश्न आता है आपके, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन बी एफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर है सीखने का समग्र सिद्धांत हल, क्योंकि समग्र सिद्धांत ही सूच का सिद्धांत है, ये भी पढ़ा रखा है। और ये किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने, कोहलर, वर्दिमर और कोप का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला। प्रश्न नंबर चौदहवा देखते हैं दोस्तों, ये ठीक है, चौदहवा प्रश्न ये, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखना रुक जाता है, तो उसे सीखने का वक्र कहते हैं या सीखने का पठार कहते हैं या स्मृति कहते हैं या अवदान कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है जब सीखना रुक जाता है। तो इसको कहा जाता है सीखने का पठार, दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर पंद्रहवा देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर पंद्रहवा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, हल, थोर्नडाइक, हेतर्ती और स्किनर, इसमें से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर है स्किनर, ठीक है, चौथा वाला प्रश्न। चलिए दोस्तों सोलहवा प्रश्न देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत, इनमें से किससे संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से देखें। प्रश्न नंबर सोलहवीं का आंसर बताइए, राइट आंसर है अधिगम के सिद्धांत से ये संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर सत्रहवा देखते हैं दोस्तों, सत्रहवा प्रश्न आता है, ठीक है, हाँ ये सत्रहवा प्रश्न है, अधिगमकर्ता को दिए जाने वाले उद्दीपक का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है, कि अधिगमकर्ता को जो उद्दीपक दिया जाता है उसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसका समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, अधिगम का विधिक सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए,
इसका राइट आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वही नैमित्तिक अनुबंधन है, ये स्किनर ने सॉरी अधिगम का विधिक सिद्धांत है इसका राइट आंसर, अधिगम का विधिक सिद्धांत जो सी एल हल ने दिया था, वो थोड़ा सा दिमाग में ही आ गया था, अधिगम का विधिक सिद्धांत है इसका राइट आंसर। इन्होंने बताया था कि उद्दीपक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न आता है, मेस्लो के अनुसार निम्न स्त्री आवश्यकताओं में शामिल है। मेस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत था उसमें पांच आवश्यकता मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई थी, तो इनमें जो निम्न स्त्री आवश्यकता है वो कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता या और प्रेम की आवश्यकता ये, या फिर आत्मगौरव की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता या प्रेम की आवश्यकता ये, या फिर शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, या फिर शारीरिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मगौरव की आवश्यकता, इनमें से निम्न स्त्री आवश्यकताओं में किसको शामिल किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा वाला, शारीरिक, फिर वो सुरक्षा की आवश्यकता चाहता है, फिर प्रेम की आवश्यकता उसके उत्पन्न होती है, और उच्च स्त्री में कौन कौन सी आएगी, आत्मगौरव की और आत्मसम्मान की, ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं, 19वां प्रश्न आता है दोस्तों, सूझ का आधार है, सूझ का आधार क्या है, बुद्धि, व्यवहार, उद्दीपक या कल्पना, ये भी आपको पढ़ा रखा है, बताइए सोच का आधार क्या है, तो यहाँ राइट आंसर है कल्पना, सोच का आधार क्या है, कल्पना, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं दोस्तों, 20वां प्रश्न आता है, ठीक, 20वां प्रश्न आता है, अधिगमकर्ता की कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे अनुक्रिया होती है, कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है, बताओ, एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, इनसाइड थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये जो कथन है ये किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आरएस थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, जो स्किनर की है कि पहले उद्दीपक मत दो या अनुक्रिया के बाद में उद्दीपक दिया जाता है आरएस थ्योरी में, ठीक है। प्रश्न नंबर अपन अब देखेंगे दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न आता है, प्राचीन अनुबंधन के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा दोस्तों 21वां प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, सहकालिक अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन, इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकार पूछ रहे हैं कि प्राचीन अनुबंधन जो चार प्रकार के मैंने आपको पढ़ा रखे हैं उनमें से ये जो चार प्रकार है इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर है विलंबित अनुबंधन, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, मैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर अब अपन देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 आता है, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है, कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ या भोजन का कुत्ते के साथ, अनुबंधन किसके बीच होता है, बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है घंटी का भोजन के साथ, ये भी आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाके जो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसको एक बार जरूर देखें, बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23वां देखते हैं, 23वां प्रश्न आता है, बालक को स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उदाहरण थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, ये जो उदाहरण है ये थार्नडाइक ने जो नियम दिए थे उनके किस नियम पर आधारित है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों इनमें राइट आंसर बताना है तत्परता, प्रभाव, अभ्यास और कोई नहीं, इसका राइट आंसर है तत्परता का नियम, ठीक है, कौन सा आंसर है इसका, तत्परता का नियम, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 24वां देखते हैं दोस्तों, 24वां प्रश्न आता है, ये 24वां प्रश्न, अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश देना चाहिए, यह कथन किस नियम पर आधारित है, अध्यापक बच्चों को कह रहे हैं कि कक्षा में बार बार पढ़ो तो यह कथन किस नियम पर आधारित है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम या आंशिक क्रिया का नियम, राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है अभ्यास का नियम, ठीक है, कमेंट जरूर करें कि इतने प्रश्न सही हुए हैं।
प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 25वां आता है, व्यवहारवादी सिद्धांतों का जनक किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन, थोर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? व्यवहारवादी सिद्धांतों का जनक कौन है इनमें से? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों थोर्नडाइक, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांतों को दिया था। प्रश्न नंबर 26वां देखेंगे दोस्तों, 26वां प्रश्न क्या है? तो 26वां प्रश्न है, ये समझो थोड़ा, संज्ञानात्मक सिद्धांतों का जनक है जीन पियाजे, कर्ट लेविन, जेरोमेस ब्रूनर या कोई नहीं? इनमें से संज्ञानात्मक सिद्धांतों का जनक कौन है? जो अभी नहीं पढ़ाया हालांकि, लेकिन फिर भी बता दीजिए कि इनका जनक कौन है। तो इसका जनक है कर्ट लेविन, ठीक है। इसका जनक कौन है दोस्तों? कर्ट लेविन इसका जनक है। प्रश्न नंबर 27वां देखते हैं। 27वां प्रश्न आता है, अधिगम आदत ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है, अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? ये भी आपको पढ़ा रखा है, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, थोर्नडाइक ने या जेबी वाटसन ने? किसने दी ये परिभाषा कि अधिगम आदत ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है? तो इसका राइट आंसर है क्रो एंड क्रो, ठीक है। कमेंट करके जरूर जाए आप, इतने प्रश्न आपके सही होते हैं। अधिगम प्रारंभ होता है, नेक्स्ट प्रश्न 28वां, अधिगम प्रारंभ होता है जन्म के कुछ समय बाद, जन्म से ही, शिशुअवस्था से ही, जन्म के 2 सप्ताह बाद? कब से प्रारंभ होता है अधिगम दोस्तों? इसका राइट आंसर है जन्म से ही अधिगम प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 29वां देखेंगे, ये बार बार आज थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना। प्रश्न नंबर 29वां देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार का टपकाना कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है या प्राथमिक व्यवहार है या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है या सभी? कि पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें उसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो वो भोजन को देखकर क्या कर रहा था? लार को टपका रहा था। तो ये जो लार का टपकाना है ये कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूत है या फिर प्राथमिक है या प्रतिक्रियात्मक है या सभी? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है क्रिया प्रसूत व्यवहार है ये, सॉरी क्रिया प्रसूत क्या, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कैसे है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति क्रिया करने के लिए बाध्य रहता है, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है, और यहाँ पे कुत्ता भोजन को देखकर लार को टपका रहा है तो वो बाध्य है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता ये सोच ले कि भोजन देख रहा है तो देख रहा है, मुझे तो लार नहीं टपकाना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुत्ते को बाध्य किया जा रहा है लार को टपकाने के लिए, इसलिए ये कौन सा व्यवहार है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है भोजन, घंटी, दोनों या सभी? अनुबंधित उद्दीपक की पूछ रहे हो कि कौन सा अनुबंधित उद्दीपक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों घंटी। 30 प्रश्नों के मैंने आंसर बता दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर जाए यार। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी मित्रों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।